नहीं, मेरी आदत है बोलने की, मैं जी लगा ही देता हूँ। अच्छा डरा दिए थे मेरे को, कहाँ से हाथ आ गया, किसका आ गया, अभी हार्ट अटैक आ जाता मेरे को। मैं क्योंकि मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ये हाथ कहाँ से आ गया पीछे से, और एक तो अपने हाथ ही लाल लाल देख देख के मेरे को और ज्यादा मतलब हो रहा है। देखिए मैम, हेटरेट तो कहीं ना कहीं से घूम फिर के कोई ना कोई एक तो आ ही जाएगा, जैसे कपिल सर वाले में आ गया, बोलता पढ़ा दो, ये क्या कर रहे हो, तो आते ही है लोग। तो आप दोनों यहाँ है, कृथ्वी कहाँ गई? कृथ्वी वो मेरी मम्मी के पास है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, और आप आपके वाले वतन साथियों जो पूछना पूछ रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर, चलिए आप आपको भी पता नहीं चलेगा हमने क्या पूछा, आप सीधा वीडियो पे ही देखना। अब आप वीडियो देखूंगा, मैं बड़ी नर्वस हूँ। नहीं नहीं मैम, नर्वस होने की क्या जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक कैसा लुक दे ठीक है और क्या बोलूं यार मैं, तू भी लिख के दिया करो ना। उनका हेलो मैम। हेलो सर, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? गुड इवनिंग, बस मैं बढ़िया, आप बताइए। सर बस एक चीज है, आप प्लीज मुझे मैम मत बोलना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। चलिए मैं स्मृति भी बोल के बात कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो चालू करने से पहले, मतलब पॉडकास्ट चालू होने से पहले, मैं सबसे पहला सवाल तो थोड़ी अपनी तारीफ ही ले लेता हूँ। स्मृति जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने रीजनिंग कहाँ से पढ़ी? रीजनिंग तो आपसे ही पढ़ी है सर, तभी मुझे अच्छा नहीं लगा था आप मुझे मैम कह रहे थे, क्योंकि आप मेरे टीचर रह चुके हैं और एक टीचर की जो रिस्पेक्ट होती है एक मन में, तो वो आप मेरे से बड़े हो तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा आप मुझे मैम बोलो। और एक छोटा सा एक लाइन बोलना चाहूंगी, आपने पूछ लिया रीजनिंग कितने पढ़े हो, रीजनिंग अगर आपसे ना पढ़ी होती तो आज इतनी स्ट्रॉन्ग ना होती। बहुत अच्छा लगा ये सुन के। कपिल सर से मैंने काफी बार सुना था कि आप रीजनिंग के लिए फॉलो किए थे, और मतलब जब आपकी शादी नहीं हुई थी उस समय भी वो बताते थे कि हैं मेरी फ्रेंड हैं ऐसे करके, तो मैं मतलब बातचीत होती रहती है, मैं समझ तो गया था आप लोगों की शादी के पहले ही, मैं समझ गया था, हालांकि उन्होंने कभी बताया नहीं था, बट मुझे समझ में आ गया था। सेम चीज आशीष अरोरा सर के साथ भी था, आशीष अरोरा सर का भी मैं समझ चुका था, उन्होंने बताया नहीं, मैंने पूछा भी था फिर भी उन्होंने नहीं बताया था, मतलब नहीं 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 कुछ नहीं ऐसा, तो पता नहीं क्यों हाँ फीलिंग मेरे को आ जाती है, मेरे को ना मतलब क्या बोलते हैं, मैं बहुत ज्यादा फेस रीड वगैरह कर लेता हूँ जैसे एक्चुअली सर था नहीं ऐसा जो आप मतलब ऐसे बोल रहे हो, क्योंकि हम लोग कॉन्टेक्ट में इसलिए थे क्योंकि हमारे जो मतलब लाइक फैमिली फैमिली रिलेटिव्स में आते हैं तो आपस में पहले से साथते थे, और जब प्रिपरेशन कर रही थी तो अन अकेडमी का पता चला, आपका पता चला, तो आप एक पॉइंट ऑफ मतलब आपको रीच करने के लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट था मेरे पास, तो जब भी कोई डाउट होता था मैं बोलती थी और आगे ट्रांसफर होता था, वहां से आंसर आ जाता था, तो ये था। लेकिन वो जो प्रोसेस है शादी का वो बाद में हुआ था, हो सकता है कि आपको फीलिंग आ गई हो इसलिए शादी हो गई। ये भी हो सकता है ऐसा। तो स्मृति जी मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा जो कि हर एक फीमेल स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग हो मतलब मोटिवेट कर सकता है उनको, कि उनको लाइफ में क्यों आगे बढ़ना चाहिए और क्यों उनको जॉब करनी चाहिए, क्यों उनको सिर्फ हाउसवाइफ बन के नहीं रहना चाहिए, तो आपका इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर होना चाहिए, मतलब स्टूडेंट्स जो भी हैं, जो भी मतलब फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनको आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे इसके लिए? सर आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है ना उसमें हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि लड़के और लड़की को एक इक्वल यू नो दर्जे पे हमें रखना चाहिए कि दोनों चीजें इक्वल है, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स में हम लोग इक्वल नहीं समझते हैं। जैसे मैं आपने अभी बात छेड़ी वुमेन एम्पावरमेंट की, तो अगर मैं कहूँ कि अपने पैरों पे खड़ा होना आज सोसाइटी में अभी भी कुछ एरियाज हैं जिसमें नहीं प्रमोट किया जाता, तो अगर किसी लड़की को अगर वो पढ़ रही है बचपन से उसके पेरेंट्स उसको अच्छी अपब्रिंगिंग दे रहे हैं तो वो क्यों दे रहे हैं, किसी के घर पे भेजने के लिए उसको हाउसवाइफ बनाने के लिए घर का काम करने के लिए तो नहीं पढ़ा रहे हैं। लड़की को अपने पैरों पे खड़ा होना इतना जरूरी है कि अगर भगवान ना चाहे कोई ऐसी अनहोनी हो जाए जो नहीं होनी चाहिए, तो लड़की के पास एक ऐसा हुनर होना चाहिए कि वो कमबैक मारे और
अपने पैरों पे वो खड़ी है तो वो अर्न कर सके। क्योंकि मनी एक ऐसी चीज है जो हम एक्सेप्ट नहीं करते कि बहुत इंपॉर्टेंस देती है, लेकिन हमें पता है कि हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो अगर वो एक हुनर होगा, अगर वो ये समझती है कि मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे अंदर हुनर है, मैं उसको प्रेजेंट कर सकती हूँ और अर्न कर सकती हूँ, चाहे वो 100 रुपए है चाहे वो 1,000 रुपए है, फिर वो कुछ भी कर सकती है। और अगर रही बात वो एक हाउसवाइफ की तरह रह जाती है, तो वो कहीं ना ब्रेन एक डेवलप होना भी बंद हो जाता है। हम किसी फील्ड में निकल जाए तो वो ब्रेन भी अच्छे से डेवलप होता रहता है, अगर हाउसवाइफ बन के रह जाते हैं तो नहीं होता है। लेकिन मैं ये नहीं प्रमोट करूंगी कि सबको ऐसे जॉब करनी है। कुछ लड़कियां होती हैं जिनको होता है कि मुझे हाउसवाइफ ही बनना है, मुझे अपनी फैमिली की टेक केयर करनी है, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि नहीं तो कौन टेक केयर करेगा। लेकिन आपके अंदर एक ऐसा हुनर होना चाहिए कि कभी भी अनहोनी हो जाए तो आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और आप बोलो कि नहीं, मैं अपनी फैमिली के लिए अर्न करूंगी, मैं अपने बच्चों को पालूंगी, मैं अपने हस्बैंड का सपोर्ट करूंगी। तो वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 8 घंटे की जॉब करना है। आज की डेट पे तो वैसे ही डिजिटल, मतलब इतना सब कुछ हो रहा है कि घर बैठे आप 2-4 घंटे काम करो, आपकी अर्निंग भी हो रही है, आप घर भी संभाल सकते हो। तो बहुत सी चीजें हैं आज की डेट पे जो करना चाहिए। अपने टैलेंट को निकालो, यूट्यूब आजकल, मतलब मैं बोलूँ तो यूट्यूब इतना अच्छा सोर्स ऑफ इनकम भी है और अपने टैलेंट को दिखाने का एक मतलब प्लेटफॉर्म भी है जिसका यूज आप कर सकते हैं। काफी सारे लोग हैं जिनके अंदर टैलेंट छुपा हुआ है, बस वो अपने टैलेंट को समझ नहीं पा रहे। तो इसका एक बिल्कुल एग्जाम्पल जीता जाता मैं भी हूँ। बिल्कुल, अपनी बच्चा भी संभाल रही हूँ, घर भी संभाल रही हूँ और यूट्यूब भी कर रही हूँ। तो एक अच्छा मतलब एनवायरमेंट बड़ा पॉजिटिव हो जाता है। आप 1 घंटे के लिए काम पे जाओगे ना, आप घर की सारी टेंशन भूल जाओगे और फिर वापस घर पे आओगे तो बड़ा एक स्माइलिंग फेस के साथ आओगे। तो ये चीज ना होनी चाहिए। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, आपकी बात बहुत सही है, बस होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो है। और एक आपसे और सवाल मैं करना चाह रहा था कि ये जो शादी के लिए प्रपोज किया था, ये कपिल सर ने किया था या आपने किया था? ऐसे सर प्रपोजल तो कुछ था नहीं। फैमिलीज की बिल्कुल, आपस में बात फैमिलीज की आपस में बात हुई और पता था कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और ऐसा सब कुछ है, तो फिर हो गया बस। अच्छा, बड़ा सही। बस इस यार, ये तो मेरे में तो बड़े बड़े मतलब लंबा चौड़ा था मेरा। पापड़ बेले आपने, टू स्टेज था ना। हाँ, 2 स्टेट्स था, 2 स्टेट्स और एज गैप भी, तो उसमें फिर मतलब फादर का तो ऐसा था कि यार नहीं, करवाना ही नहीं। और मेरे पापा, मतलब मुझे बचपन से ऐसे ही लगता था कि नहीं मानेंगे, मानेंगे ही नहीं, करवाएंगे ही नहीं। लेकिन हो गई, पापा ने खुद ही बोला चलो करवा देते हैं। अब लड़का भी बड़ा हो गया, अब सुन लेते हैं इसकी। तो और क्या सवाल करें? तो नेक्स्ट सवाल स्मृति जी आपसे, ये मैं ये कहना चाहूंगा कि वर्क लाइफ को और पर्सनल लाइफ को आप कैसे मैनेज करती हैं, और क्या कभी इसमें प्रॉब्लम आती है, और प्रॉब्लम आती है तो किस टाइप की प्रॉब्लम आती है? वर्क लाइफ और जो मेरी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ जब शादी हुई थी ना तो एक अलग सिनेरियो में थी। उसके साथ मैं काम करती थी तो मैनेज हो जाता था, उसमें फिर प्रॉब्लम नहीं आती थी क्योंकि हम दोनों एडल्ट्स हैं, अपने एक दूसरे की बातें समझते हैं और घर का काम मुझे पता है इस टाइम पे करना है, इस टाइम पे ये ब्रेकफास्ट है, इस टाइम पे लंच है और इस टाइम पे ये चीजें हैं। तो वो इजिली मेरे को घर की बातें समझ में आ गई थी तो मैनेज हो गया। अब जैसी अभी मेरी बेबी हुई है तो वर्क लाइफ तो ये समझ लो एक टॉस आ गया था उसमें, क्योंकि जैसी कंसीव हुई वो बिल्कुल ही मैंने यूट्यूब तो छोड़ ही दिया था। कोई 2 महीने में एक सेशन मैंने ले लिया या 3 महीने में एक ले लिया, तो ऐसा था। उसके बाद जब हो गई तो उसके साथ ही हमें पूरी पूरी रात जागना पड़ता था और सब करना पड़ता था, तो एक लाइफ पूरी टॉस हो गई थी। अभी के सिनेरियो की बात करूं तो अगर वर्क लाइफ में बैंक तो देखो सर मैं जाती नहीं हूँ क्योंकि बेबी को संभालना पड़ता है। यूट्यूब मैं करती हूँ लेकिन वो प्रोसेस सिर्फ 2 घंटे का रहता है पूरे दिन में, 2 से 3 घंटे का, क्योंकि बेबी मेरी ऐसी है कि वो ज्यादा किसी से नहीं संभलती है, या तो मेरे हस्बैंड के पास रहेगी या मेरे पास रहेगी। और अभी मेरे हस्बैंड का काम मुझसे थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है, थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो एक फुल टाइम है, तो मेरे को अपना थोड़ा सा ना एडजस्ट करना पड़ता है। प्रॉब्लम ये आती है कि मान लो मैं काम पर आ रही हूँ, अभी स्टूडियो में आ रही हूँ करने के लिए, और पीछे से वो नहीं रो रही है, बहुत ज्यादा रो रही है, किसी से नहीं संभल रही है, तो मुझे जाना पड़ता है छोड़ के। फिर वो एक ब्रेक आ जाता है तो वो अगले दिन ही होता है क्योंकि वो फिर मुझे नहीं छोड़ती है। घर के काम की बात करूं तो मेरे इन-लॉज बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं, वो कभी ऐसे नहीं कहते कि नहीं ये वाला काम करना ही है तो करना ही है, अपना काम बाद में करना और घर का काम पहले करो, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। उनको ये पता है कि घर का काम भी जरूरी है और बाहर का काम भी जरूरी है, तो आप अपना मैनेज कर लो,
तो घर के काम में मुझे प्रॉब्लम नहीं आती, मेरी मदर इन लॉ काफी ज्यादा सपोर्ट कर देती है। प्रॉब्लम बस बच्चे के साथ आती है, वो जब बच्चा बड़ा होगा तभी सही होगा। तो अभी तो एक टॉस ही चल रहा है लाइफ में, होपफुली मैनेज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सवाल और मेरे मन में आ रहा था काफी दिनों से, जो मैं सोच रहा था कि मैं कपिल सर से पूछूं या आपसे पूछूं अभी ये पॉडकास्ट के थ्रू। मतलब मुझे बहुत सारे ऐसे सवाल है ना जो मतलब मन में वो होता रहता है ना कि क्या था क्या नहीं। जैसे आपकी एज कितनी है? ये गलत सवाल पूछ लिया। आप गेस करो कितनी है। अरे 26 27 सही है? 26। और एक 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 इसी से रिलेटेड क्या सवाल था, हाँ आपका जो जॉब लगी थी, आपकी जॉब किस में हुई थी? एक LIC में हुई थी और LIC, SBIPO, SBI क्लर्क, SBI क्लर्क। तो ये तीनों में से आपने क्या ज्वाइन किया था? SBIPO। SBIPO ज्वाइन किया था आपने। देखिए हेटेड मैम, हेटेड तो कहीं ना कहीं से घूम फिर के कोई ना कोई एक तो आ ही जाएगा। जैसे कपिल सर वाले में आ गया, बोलता पढ़ा दो, ये क्या कर रहे हो, तो आते ही है लोग, वो तो आते ही रहेंगे। हमको हमारा मेन ये है कि जो हमसे कनेक्टेड हैं बच्चे वो कनेक्टेड रहें, आगे भी कनेक्टेड रहें, और मतलब एकदम ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाएं वो, बस ये है। बिल्कुल तो सर, SBIPO का मैंने चूज इसलिए किया था क्योंकि LIC OO की मेरी जो ट्रेनिंग थी वो मैसूर में थी, इंफोसिस में लगी थी। तो जब सिलेक्शन हुआ था तब मेरी शादी नहीं हुई थी। वो एक रोका होता है ना हमारे पंजाबीज में कि रोक लेते हैं, और फिर बाद में शादी थी नवंबर में और इसकी ज्वाइनिंग दिसंबर में थी। तो फिर इधर से सबने बोला कि नहीं इतनी दूर नहीं भेजना है। तो SBI की ट्रेनिंग जब थी तो ट्रेनिंग पे भेज दिया कि कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के करवा लेंगे, बैंक में होता ही है। बट फिर ट्रेनिंग हो गई, ठीक है, थोड़ा टाइम जॉब किया और बच्ची हो गई तो नहीं हुआ, फिर छोड़ दिया। रिजाइन नहीं किया मैंने, अभी मैं लीव पे चल रही हूँ। अच्छा, लिव लिव विदाउट पे, हाँ ठीक है। मुझे क्योंकि ना मुझे ये डाउट आता था हमेशा कि मतलब आप कैसे मैनेज कर रहे हो भाई, आप बैंक भी जा रहे हो। क्योंकि मैं जब बैंक में था तो मतलब मुझे ऐसा हो जाता था कि मैं सुबह 7 बजे उठता था और खाना वाना बना के, क्योंकि मेरी पोस्टिंग भी बहुत दूर थी, खुद खाना वाना बना के मैं बैंक जाता था पहले, वहां से आता था रात को 7 8 बजे, फिर उसके बाद क्लासेस मेरी 8:30 से लेकर 12 बजे तक चलती थी, फिर उसके बाद अगले दिन की प्रिपरेशन करता था, 1 1:30 बजे सोता था। मुझे पता वो मैं मतलब सोच रहा था कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो भाई एकदम। क्लास में भी सर खाने की बातें होती थी, आज ये बना है, आज ये बना है। आई होप मैं सही बोल रही हूँ। कल सुबह का ये मेन्यू है, आज रात का ये मेन्यू था। सर मैनेज हो जाती हैं चीजें अगर घर वाले सपोर्ट करें। आपकी तो फिर पोस्टिंग भी बाहर थी ना, तो आपको सब कुछ खुद से करना पड़ता था, हो जाता है मैनेज। जैसे तो मुझे जब जॉब छोड़ने का आया दिमाग में, तब मैंने ये भी चीज सोची थी कि मैं जॉब छोड़ू या नहीं छोड़ू, क्योंकि कपिल सर बोले मैं तो नहीं छोड़ने वाला भाई, सरकारी नौकरी ऐसे ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। घर तो वाले नहीं मान रहे ना सर, हाँ, समझते मतलब नहीं। घर वाले हाँ मेरे भी नहीं एक मान रहे थे, मैं तो ऐसा हो गया था ना कि मतलब मैं छोड़ने को, पापा भी मेरे यही बोले कि यार सरकारी नौकरी कौन छोड़ता है, बेवकूफ है क्या, पागल है। तो लेकिन मैं छोड़ के आ गया था, बोले यार अब जो बोलना है बोलो, अब तो छोड़ दिया, अब क्या कर सकते हैं। तो और सर छोड़ा तो बहुत, आपको तो हाँ, बेनिफिट ही हुआ है छोड़ा बेनिफिट तो। ही हुआ है आपको किसी उसमें। अंदर से पता था कि मैं ये कर लूंगा तो फिर हो गया, और अब पेरेंट्स भी शायद नहीं कुछ कहते होंगे। हाँ नहीं, अब तो नहीं कहते, बोलते हैं अब आखिरी साल है, पढ़ ले थोड़ा, ले ले फिर से नौकरी, क्योंकि मतलब अब मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरे साथ ये हो गया ना कि एक ये होता है ना कि अब आप दिन भर घर में ही रह रहे हो, तो बस यहां से निकले रूम पे चले गए, रूम से निकले पापा लोगों से मिलने चले गए, तो ये वाली अब जो लाइफ है ना वो मैं छोड़ नहीं सकता, मतलब एक एडिक्शन टाइप का हो गया है अब यहाँ। हाँ छोड़ोगे तो मैम फिर पिटाई लगाएगी, कहाँ जाते हो। हाँ वो तो अगर मैं अपना स्टूडियो अगर बाहर बना लूँ ना, मैं जैसे बीच में मेरा ऐसा प्लानिंग चल रही थी कि चलो यार मैं बाहर ऑफिस बना लेता हूँ, बोलती नहीं कोई जरूरत नहीं है, घर पे रहो, घर पे ही स्टूडियो बनाओ, बनाना है तो वो कहीं ना कहीं एक उसको भी इस तरीके की आदत हो गई है ना कि वो हर आधे 1 घंटे में, 1 क्लास के बाद कहीं ना कहीं दिख जाता हूँ मैं, इधर से उधर जाते हुए कहीं दिख जाता हूँ, तो उसको भी लगता है हाँ यही कहीं है, तो वो एक आदत सी बन गई है। और क्वेश्चन बताया। सर देखो, मैं अगर कोई क्वेश्चन पूछूंगी तो बहुत ज्यादा, हो सकता है आप जवाब दे पाओ, हो सकता है आप ना दे पाओ, थोड़ा सा फनी सा क्वेश्चन रहेगा। दे दूंगा मैं तो खुली किताब हूँ, वो मेरे को सर पिछले पॉडकास्ट से दिख गया था। मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। आप जो अपनी कॉलेज लाइफ में थे, तो मतलब आप कैसे, एक लड़के के पर्सपेक्टिव से आप कौन सी कैटेगरी में आते थे। एक लड़के होते हैं बड़े ऐसे सीधे साधे, ऑयल लगा के रखते हैं, पढ़ते हैं बड़े अच्छे से, और एक लड़के होते हैं टशन मार के निकलते हैं, लड़की मतलब लड़कियों को देखते हैं, और एक
पर्सपेक्टिव समझ रहे हो सर मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक सीधा साधा लड़का और एक बड़ा ऐसे जॉवियल था जिसको बाहर एक्सप्लोर करनी है बंक मार के, तो आप कौन से थे इन दोनों में? झूठ मैं एकदम सीधा साधा लड़का था जब मैं, बोल नहीं, रहे बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, पूरा बता रहा हूँ। जब मैं स्टार्ट में, जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था ना, तो मैं बहुत सीधा सा लड़का था, एकदम तेल वेल लगा के जाना बालों में, और एकदम मतलब आयरन की हुई शर्ट पहनना, जूते पॉलिश होने चाहिए, चुपचाप रहना अपने क्लास में। लड़कियों से ज्यादा मैं बातचीत नहीं करता था, मैं बहुत मतलब शर्मीला टाइप का लड़का था, और लड़कियों से बात मैं करता कर ही नहीं पाता था। कुछ गिनी चुनी जो मेरी फ्रेंड्स रहती थी, दो चार पांच, बस उनसे बात कर पाता था, बाकी किसी से तो मैं बात कर ही नहीं पाता था। लेकिन फ्रेंड सर्कल जो हमारा, मेरा जो बना था, मेरे कुछ मैक वाले दोस्त थे। और एक स्टोरी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, हुआ क्या था कि मैं सीएस में था, तो सीएस ब्रांच में ज्यादातर लड़कियां थी और सिर्फ पांच लड़के थे। उन पांच में से 5 या 10 लड़के थे, जिसमें से आते सिर्फ 3 ही लोग थे। मैं था, एक मेरा अच्छा फ्रेंड था जो मेरे साथ बैठता था, और एक और लड़का था जो क्लास में कभी दिखता ही नहीं था। तो 3 ही लड़के आते थे और बाकी लड़कियां रहती थी सारी। तो धीरे धीरे क्या है ना, फ्रेंड सर्कल बन गया मतलब लड़कियों के साथ, 4 5 6 लोगों के साथ। ये फर्स्ट ईयर की बात है। तो जब थर्ड सेमेस्टर में एक ट्रिप का मतलब कॉलेज की तरफ से ट्रिप बन रहे थे, अलग अलग जगह की प्लानिंग चल रही थी, तो उसमें ट्रिप सारी मतलब जो लड़कियां थी क्लास की, और जो मतलब जो 2 3 लड़के थे, तो उन लोगों ने ये प्लान किया कि ऊटी जाएंगे। तो मैंने भी ऊटी भर दिया कि चलो भाई जाएंगे। लेकिन जो मेरे मैकेनिकल वाले दोस्त थे, वो भाई साहब मतलब ऐसे थे ना, लांबा उधर अगर गया तो ये हम होने नहीं देंगे। मतलब वो उन लोगों ने पता नहीं क्या किया कि वो बोल रहे थे गोवा चल, मैं बोल रहा था यार मैं तो ऊटी जा रहा हूँ इन लोगों के साथ। अब वो माने ही नहीं, बोलते लांबा तो हमारे साथ ही जाएगा। और अगले दिन जब लिस्ट लगी वहां पर नोटिस बोर्ड पे, और मैं सोच रहा हूँ मैंने तो गोवा भरा नहीं था, मेरा गोवा में नाम कैसे निकल गया। बाद में पता चला उन लोगों ने इंटरनली कहीं से जाके किसी सर से बात बात करके मेरा नाम चेंज करवा दिया था। तो मैं बड़ा ना मतलब सिंपल सीधा लड़का था उससे पहले, लेकिन जब वो गोवा ट्रिप मैंने किया फर्स्ट टाइम इनके साथ, मैकेनिकल वालों के साथ, फिर मैं थोड़ा सा चेंज हो गया। उसके बाद मैं, कैटेगरी में आ गई। फिर मैं दूसरी कैटेगरी में आ गया, मतलब एकदम बोल सकते हैं दूसरी कैटेगरी में आ गया उनके साथ रह के। मतलब बोलते हैं ना आपकी संगति का असर होता है, तो बस संगति का असर हो गया। वहां सीधा साधा था पहले, क्योंकि 3 लड़के, इतनी लड़कियां क्या बोलोगे भाई, शांति से बैठे रहते थे हम। बात फिर थोड़ा सा चेंज हो गया। इससे इंटर रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। अब आपने बोला कि आप दूसरी कैटेगरी में आ गए, तो आपकी कोई एक ऐसी, मतलब जैसे पिछले पॉडकास्ट में मैंने गुडी गुडी मॉर्निंग वाला सुना था आपका, तो आपकी कोई एक ऐसी, आप डेट पे गए होगे, एक ऐसी वर्स्ट डेट एक्सपीरियंस आपका हुआ हो कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा, यार ये तो गलत हो गया, ऐसा कुछ हो तो? हाँ, ये उसी के साथ का है। डेट तो नहीं बोल सकते, जैसे जो गुडी गुडी मॉर्निंग वाली थी एक्स एक्स भी नहीं बोलेंगे, उसकी फ्रेंड जोन में थी वो। तो उसके साथ जब तक बातें चल रही थी, तो बातें चल रही थी, अब उसने क्या, होली का ही दिन था, मुझे अच्छे से याद है, ये गोवा ट्रिप की बात है। गोवा ट्रिप से जैसे ही मैं वापस आया था, तो उस समय उससे बातचीत चल रही थी मेरी। और गोवा में मतलब जब हम लोग गए थे, तो वो होली के जस्ट पहले की बात है। तो गोवा से जैसे ही आए, उसके बाद फिर होली पड़ गई, और होली के जस्ट दूसरे या तीसरे दिन उसने कॉल किया कि मैं अपने फ्रेंड्स से, मतलब मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी, मैं उससे मिलवाना चाह रही हूँ आपको, तो वो जूनियर थी मेरी, तो आप आओगे मूवी देखने के लिए। मैं बोला ठीक है चलते हैं। अब मैं जाने के लिए तो रेडी हो गया, बट हुआ ये था कि मेरे पास जितने अच्छे कपड़े थे, सारे मैं गोवा ट्रिप में खराब हो चुके थे, धुल में गए हुए थे। बाकी होली की वजह से मेरे पास जो एक जूता था, जूता उस समय वही ऐसा था कि हम मिडिल क्लास फैमिली से थे, ऐसा नहीं था कि तीन तीन चार चार जूते हों। एक जूता था मेरे पास जो कि गंदा हो गया था होली की वजह से, और एक बहुत ना फनी सा जूता मैंने खरीदा हुआ था, बहुत ही फनी सा, जो खरीदने के बाद मुझे लगा था कि यार ये मैंने क्या कहाँ पैसे बर्बाद कर दिए। तो वो वाला जूता पहन के, और एक पैंट और एक टी शर्ट पहन के मैं गया था, मैं एकदम जोकर लग रहा था। मतलब खुद को देख के ही मुझे ना इतना गंदा फील हो रहा था, लेकिन ऐसा हो गया था ना कि मैंने अब बोल दिया कि मैं आ रहा हूं, तो चला तो गया। और दूर से वो जो लुक उसने और उसकी फ्रेंड ने दिया ना मेरी तरफ, मैं बोला लांबा बहुत बड़ी गलती कर दिया तूने आज। वो मतलब दिन मुझे आज भी याद है, इतना एम्बेरसमेंट मतलब फील हो रहा था मुझे कि यार मैं क्या कर दिया। उसके बाद से मेरा ड्रेसिंग सेंस पूरा चेंज हो गया। मतलब लाइफ में बोलते हैं ना कि कुछ गलतियों से आप सीखते हैं, तो उसके बाद से मेरा पूरा ड्रेसिंग सेंस मैंने चेंज किया। उसके पहले मैं ड्रेसिंग सेंस की अगर मैं बात करूं, तो मैं कभी जीन्स नहीं पहनता था,
मेरी आदत ही नहीं थी जींस पहनने की, मैं सिर्फ पैंट पहनता था, वो भी वो क्रीज वाली जो पापा लोग पहनते हैं वैसी। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा चेंज किया अपने आप। मम्मास बॉय की तरह रहते होगे ना हाँ जैसे बिल्कुल अपने बिल्कुल। टैग में मम्मास बॉय, जैसे मम्मा ने काम कर दी तो वैसे ही चलेंगे। अरे मम्मी को तो जब पहली बार पता चला था इसकी गर्लफ्रेंड है, मम्मी यकीन ही नहीं करवा रही थी मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है, ये कैसे हो सकता है, ये हो नहीं सकता, झूठ बोल रहे। तो ये चीज है, होती है, चेंज हो गया। खैर मैं उसके बाद बहुत ज्यादा फिर, चलो किसी पर्सन ने आपकी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर दिया। हाँ जी ये तो है, चेंजेस तो आते हैं, मतलब इंसान सीखता है ये सब चीजों से, एक्सपीरियंस होते हैं, एक्सपीरियंस होने भी चाहिए, अच्छे कुछ अच्छे एक्सपीरियंस रहते हैं, कुछ बुरे एक्सपीरियंस रहते हैं। अच्छा मैम आपने कपिल सर को चेंज किया या नहीं? मैंने आपने इनसे पूछा ही नहीं, हाँ मैं तो मतलब बोलूंगी मैंने कर दिया। अब ये बोले कि अगर नहीं किया तो फिर गलत हाँ हो जाएगा। ये आप अपने तरीके, मैंने पूरी कोशिश की है। ये पहले ना थोड़ा वैसे रहते थे जैसे आप अभी बता रहे हो ना, सीधे सादे ऐसे ऑयल लगा के काम करके और ऐसे स्पेक्स पहन के पैंट पहन के वैसे रहते थे। तो जब से मैं आई हूँ तो मैंने कोशिश की है कि जीन्स पहनो, कूल कूल से शूज पहनो और टी शर्ट पहनो, थोड़ा सा अपने आप को ऐसे पर्सनैलिटी थोड़ी सी इनहेंस करो। तो वो हो रहा है, धीरे धीरे प्रोसेस में है, लेकिन कभी कभी खुद की पर्सनैलिटी में वापस चले जाते हैं, तो वो हो जाएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बाकी आप एक बार इनसे जरूर पूछ लेना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक और सवाल है कि इंस्टा के जो रील्स आपके होते हैं तो वो आप सोचती हैं या सर सोचते हैं? इंस्टाग्राम की जितनी भी रील्स होती हैं सारे मेरे आइडियाज होते हैं, क्योंकि मैं मेरा एक पूरा फिक्स होता है कि दिन में 1 घंटा मुझे निकालना है और मुझे कंटेंट छान के रखना अपने पास कि अब मैं ट्रिप पे जाऊंगी तो मैंने ये चीज करनी है। तो वो बिट्स एंड पीसेस में मैं बना लेती हूँ, और एडिटिंग और सॉन्ग सिलेक्शन वो सब ये करते हैं, तो दोनों का एक मिक्सचर रहता है। बाकी कंटेंट का आइडिया मेरा ही होता है, तो इनको मुझे खड़ा करना पड़ता है, आप ऐसे खड़े हो जाओ, आप ऐसे मुझे शूट करो, अच्छा ऐसे घुमाना है। तो वो थोड़ा सा इनको हो जाता है कि नहीं अब बस बहुत हो गया बस कर, वो थोड़ा जुल्म है और चलता रहेगा जिंदगी भर, अब शादी जो की है। मेरे मेरे जब मैं ये चीजें होती है ना तो मेरी वाइफ बस मुझे यही चीज बोलती है कि शादी के पहले तो बहुत फोटो खिंचवाते थे, अब क्या हो गया, अब क्यों नहीं फोटो खिंचवाते? लड़के बहुत बदल जाते हैं, लड़कियों को ज्यादा शौक आ जाता है फोटोज का और लड़के हो जाते हैं बस एक फोटो खिंचवा ली। इवन जो लास्ट आपको हम लोगों ने एक पिक्चर सेंड करी थी एटलांटिस वाली चेयर पे बैठे हुए, वो पिक्चर के लिए मैंने इनको आधा घंटा ऐसे रिक्वेस्ट करी है कि आप जाओ और पिक्चर क्लिक करवा के आओ। लिटरली इनकी ये हालत है, मुझे रिक्वेस्ट ऐसे करना पड़ता आप जाओ, ये मेमोरीज है जो हमें एक रखनी है अपने पास, नहीं होगी ना बस घुमा है ना बस, याद है दिमाग में याद है। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, जो मुझे लगता है कि ये जो फोटो वाला सीन है ना, कि मतलब शादी के पहले लड़के ज्यादा फोटो खींचने के लिए इंसिस्ट करते हैं और शादी के बाद लड़कियां ज्यादा इंसिस्ट करती हैं, तो इसके पीछे मुझे पता है क्या लगता है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है पर्सनल, शादी के पहले क्या होता है ना कि दोस्तों को ये दिखाना होता है मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा सुंदर है या ये मेरी गर्लफ्रेंड है ऐसे, और लड़कियों को शादी के बाद ऐसा रहता है ये मेरा पति है, मतलब बेस्ट, आई गॉट द बेस्ट वन वाला। तो मुझे मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि क्योंकि शादी के पहले अगर फोटो हम खिंचवाते भी थे तो वो पोस्ट नहीं करती थी और मैं पोस्ट करते रहता था, और जहां शादी के बाद मैं पोस्ट नहीं करता वो पोस्ट जबरदस्ती ये भी डालो ये भी फोटो डालो, तो ये हो गया है मतलब। आपकी रील्स में दिख रहा होता है वैसे, वो अच्छा आपकी रील्स में क्या दिख रहा होता है मैम का? मैं पर्सनली भी मैम से मिली हूँ, तो आप दोनों बड़े ऑपोजिट पर्सनालिटीज हो, वो बड़े जोवियल से और ऐसे फुलेस्ट ऑफ लाइफ एंजॉय करना, और आप बड़े ऐसे कंजर्वेटिव मुझे लगते हो, बाकी वो रील्स में आपके दिख रहा होता है। मैं कंजर्वेटिव होने का भी, मैं मेरी लाइफ चेंज बहुत बार हुई है, जैसा मैंने बताया ना वो गोवा ट्रिप के बाद मैं पूरा चेंज हो गया था, तो गोवा ट्रिप के बाद मैं पूरा चेंज हो गया था, जैसा उसका नेचर है अभी वैसा था मैं, लेकिन फिर वो कुछ इंसिडेंट ऐसे मतलब थे जो कि मैं शेयर किया हूँ बच्चों के साथ, पता है कि बहुत स्ट्रगल के बाद मतलब मैं फिर लाइफ में उठा ऊपर, तो फिर मैं थोड़ा सीरियस हो गया, और ये चीज के लिए लेकर वो भी बोलती है कि यार हो गया वो चीजें, अब बीत गई तो इतना नहीं सोचना चाहिए, हो गया फिर से वापस वैसे ही जाओ। तो हालांकि मैं रहता हूँ मस्त मस्त मूड में, जब मैं रहता हूँ तो बच्चों से भी बहुत अच्छे से बात करता हूँ क्लास में सब कुछ, इसलिए मैं खुल के बता देता हूँ, मुझे कोई ऐसी चीज नहीं है कि मुझे कुछ छुपाना है, सब कुछ A to Z में सब बता देता हूँ बच्चों को। चलिए तो एक रैपिड फायर राउंड करते हैं जिसमें दो चार क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। आप दोनों में से खाना अच्छा कौन बनाता है, मैं ये तो खाना बनाते ही नहीं है। और दोनों में से ज्यादा डोमिनेंट कौन है? कुछ पर्सपेक्टिव में मैं, और ज्यादा पर्सपेक्टिव में ये अच्छा मेरे हस्बैंड।
आप दोनों में अच्छा गाना कौन गाता है? ऑब्वियसली मैं, लेकिन इनको लगता है कि ये अच्छा गाना गाते हैं और मैं बिल्कुल ऐसे कौए की तरह गाती हूँ, तो वो हम दोनों की अपनी अलग अलग थिंकिंग है। मुझे लगता है कि मैं श्रेया घोषाल हूँ, इनको लगता है ये अरिजीत सिंह है। पृथ्वी को अच्छे से कौन संभालता ऑब्वियसली मैं, क्योंकि है? पृथ्वी का एक थोड़ा सा ना ऐसा है कि वो मेरे पास रहेगी, अच्छे से रहेगी, अच्छे से खाएगी, मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से करती है पीसफुली। और जैसे ही उसको उसके पापा दिख जाते हैं, उछलना शुरू करती है, और दिखती ना उसने खाना है, ना फिर उसने नहाना है, ना उसने कपड़े पहनने हैं। तो वो एक रहता है कि मेरे पास थोड़ा पीसफुली रह लेती है, और इनके पास बड़ा ऐसे कूद कूद के रहती है, तो मेरे को लगता है कि मैं अच्छा संभालती हूँ। कपिल सर के ऐसे दो राज जो उन्होंने आज तक किसी भी स्टूडेंट को, एक मिनट यार, ये हाथ रख दिए था, सॉरी सॉरी, इसके डरा दिए थे मेरे को, कहां से हाथ आ गया, किसका आ गया, अभी हार्ट अटैक आ जाता मेरे को, मैं क्योंकि मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, मैं देख, ये हाथ कहाँ से आ गया पीछे से, और एक तो अपने हाथ ही लाल लाल देख देख के मेरे को और ज्यादा मतलब हो रहा है। तो फिर से ये सवाल फिर से कर देते हैं। कपिल सर के ऐसे दो राज जो आज तक उन्होंने अपनी क्लासेस में या अपने स्टूडेंट्स को या किसी को नहीं बताए हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो वो आप चुपचाप से बता दीजिए। बिल्कुल 2 मिनट सोचने का टाइम। बिल्कुल, सोचिए, 2 मिनट या 5 मिनट सोचिए, बस बता दीजिए। अब मुझे राज भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे ना, जो मैं बता सकती हूँ। नहीं, अब बता दीजिए, रखना होगा रखेंगे, नहीं रखना होगा काट देंगे। आप तीन चार बता दीजिए ना, दो जो रखने होंगे वो रख लेंगे। मुझसे एक ही सोचा जा रहा है, मुझसे दो सोचे भी नहीं जा रहे। चलो जो भी है बता दीजिए। हाँ जी बोल भाई, रहे हैं तो वो बोल रहा है कि आप बोल दो, मैं थोड़ा सो लेता हूँ, आप सोच के बताइए। मुझे ऐसा कुछ याद ही नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसे कोई बात है ही नहीं जो इन्होंने ना बताई हो। कुछ तो ऐसी छोटी मोटी बात होगी जो होता है ना, जैसे मतलब कुछ है जो हम बच्चों को नहीं बता सकते, मतलब बताना भी चाहते हैं लेकिन नहीं बता रहे हैं, या इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे हैं, जिससे शायद स्टूडेंट्स को भी लगे नहीं यार, हर मतलब चीजें बताते नहीं है, लेकिन हाँ ये भी है। लेकिन हाँ, ये भी है, ऐसी पर्सनालिटी भी है। एक तो जो मेरे को बड़ा ऐसे याद सा आ रहा है कि हाँ, मतलब ये बीच में मत डालना वीडियो के, कि कुछ बच्चों को ऐसे बड़ा लगता है ना कि खड़ूस से हैं, और कुछ बच्चों को लगता है कि बड़े फ्रेंडली से हैं, तो एक्चुअली में दोनों ही गलत हो रहे होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी अलग ही है। अब दूसरा मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। तो स्मृति जी, बहुत ही अच्छे सवाल और जवाब यहाँ पर हुए आपके साथ, सबसे ज्यादा समय आपने आखिरी वाले में लिया, लेकिन अब इसको खत्म करते हुए आपसे एक गुजारिश है कि आप किसी एक ऐसे यूट्यूबर को टैग करें जिनसे हम बहुत जल्द पॉडकास्ट कर सकें, जिनके साथ बातचीत कर सकें। ऐसा एक यूट्यूबर तो सर फिर आपको एक चैनल नया खोलना पड़ेगा। क्योंकि मेरी ऐसी विश थी कि मैं नेक्स्ट आपकी वाइफ को देखना चाहती थी, मिसेज अमिता नायर लांबा जी को, ताकि बच्चे उनके बारे में भी जान सकते। लेकिन अब आपने बोल दिया कि अभी करंट यूट्यूबर, तो सर एक बार उनको भी लेके आइएगा, लेकिन फिर चलिए, भी कोई और यूट्यूबर ये अच्छी मतलब चीज है, मैं बिल्कुल बिल्कुल उनके साथ ही नया चैनल भी बना दें, पॉडकास्ट भी इस कर दें। बिल्कुल बिल्कुल सेशन के बाद आप एक नया चैनल खोल लो, फिर मैम को ले और मैम का पॉडकास्ट कर लो, तो ये सही बिल्कुल रहेगा मेरे पास। बिल्कुल, ऐसे ही करते हैं।
चलिए, तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, मैम सॉरी स्मृति जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और बस और क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, आपको कहना है ये चीज। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब पर्सनली तो मिली हूँ आपसे और थोड़ा ऐसे पता भी है कि आप किस तरीके के हो, लेकिन ऐसे एक वीडियो सेशन में मिलना, तो स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा नर्वस थी मैं कि कैसे बात करूंगी, क्योंकि एक आप मेरे टीचर रहे हो तो ऑब्वियसली वो नर्वसनेस आ जाती है। बट ये अच्छा लगा मुझे, पॉडकास्ट बड़ा जेनुइन सा था और बड़ा फ्रेंडली सा माहौल रहा। एंड ये वाली जो सीरीज आपने शुरू की है, फ्रॉम माई परस्पेक्टिव बहुत अच्छी सीरीज है, क्योंकि स्ट्रैटेजीज जैसे आपने बोला सब बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन वो एक मूड रिफ्रेश करने के लिए भी बच्चों को कुछ चाहिए होता है, तो उसके लिए अच्छा रहा। एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ आपको करना है, आपको पता है। एंड अंकुर सर को भी फॉलो तो करते हो तो मुझे भी कर लेना, थोड़ा सा मैं अपना भी प्रमोशन कर दूं। तो बिल्कुल देखो दोनों चीजें हैं, मैं अंकुर सर से पढ़ी हूँ और उनका पढ़ाया हुआ ही आगे लेके जा रही हूँ, तो उसमें मेरे को बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छे टीचर मिले, तो अगर ज्ञान मिला है तो ज्ञान बांटना भी चाहिए। तो सर थैंक यू इस सेशन के लिए, थैंक यू रीजनिंग पढ़ाने के लिए, और रीजनिंग जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो आपने पढ़ाया है तो पढ़ा रही हूँ। एक बोलते हैं ना कि सर ने किया तो मैं हूँ अभी एग्जिस्ट कर रही हूँ, तो वो चीज है। उसके लिए पूरी लाइफ के लिए थैंक यू रखूंगी, और एग्जाम्स भी तो ही मेरे क्लियर हुए हैं क्योंकि रीजनिंग भी एक स्ट्रॉन्ग पार्ट था। तो ठीक है, आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सर के अकॉर्डिंग हम मिलेंगे एक नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैम के साथ, तो बने रहिएगा। थैंक यू।